हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अलर्ट में। तो दोस्तों, बिहार SSC इंटर लेवल का दोस्तों एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया और दोस्तों प्री का एग्जाम का रिजल्ट का दोस्तों बहुत ही बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का डेट कब आउट होगा। तो दोस्तों आंसर की कब आएगा, आंसर की का दोस्तों डेट और दोस्तों मेंस एग्जाम का डेट भी लोगों वेट कर रहे हैं कि मेंस एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा बिहार से द्वारा। और दोस्तों ये भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेंस में कितने बच्चे पास होंगे, क्या मेरा मेंस में रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो दोस्तों पूरा डिटेल बिहार SSC द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि मेंस का रिजल्ट कब आउट होगा, क्या डेट है आंसर की का, क्या डेट है और दोस्तों कितने बच्चे मेंस में एग्जाम में पास होंगे। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर जरूर प्रेस करें और दोस्तों उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन या दोस्तों अगर बिहार SSC का रिजल्ट या दोस्तों ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज नोटिफिकेशन लेके आते हैं। अगर आपने ये बेल बटन को प्रेस नहीं किया दोस्तों, आपको तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और दोस्तों आप अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में सर्वर बिजी हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जरूर जरूर बेल आइकन को दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मैंने दोस्तों बिहार SSC का ऑफिशियली साइट खोल रखा है। तो दोस्तों आइए हम इसके सूचना पट पे चलते हैं कि बिहार SSC रिलेटेड कोई भी अपडेट आया है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इसका सूचना पट पर बिहार SSC से रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं आया कि इंटर लेवल का एग्जाम का डेट क्या है, रिजल्ट कब आया। तो दोस्तों मैंने इनके पास फ़ोन करके पूछा और दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि इनका एक और वेबसाइट है बिहार SSC का ऑफिशियली, उस पर दोस्तों इसका अपडेट आया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इनका एक और वेबसाइट है bihar ssc.bihar.gov.in, इसको दोस्तों खोलने के बाद जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा है दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार SSC और यहाँ दोस्तों वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना इनका एड्रेस है। यहाँ दोस्तों हम अगर हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट और यहाँ दोस्तों व्यू लिस्ट खोलते हैं तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट पब्लिश हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ फर्स्ट कम्बाइंड इंटर लेवल यहाँ पे है और दोस्तों अगर हम इसको खोल के देखते हैं यहाँ पे व्यू करके तो दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में खुल गया कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या था और इसमें दोस्तों कितने नंबर ऑफ पोस्ट थे, यानी कि 13,120 पोस्ट थे और दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट कर दिया गया आफ्टर मेंस एग्जाम इट विल बी डिक्लेयर। दोस्तों मेंस के एग्जाम के बाद इसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों हमारा प्री का रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम कंडक्ट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर अप टू जून 2019, यानी दोस्तों जून 2019 से पहले दोस्तों आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों यहां जून 2019 अप टू लिखा हुआ है, यानी दोस्तों आपका मई या जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों यही रही बात आंसर की तो आंसर की दोस्तों आपके रिजल्ट के 10 या 15 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड कर दिया जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और रही बात दोस्तों कि मेंस में कितने बच्चे पास होंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमें बिहार SSC दोस्तों एडवर्टीजमेंट निकला था उसमें जाके देखते हैं सकते हैं। ये मैंने दोस्तों बिहार SSC का दोस्तों इंटर लेवल का दो एडवर्टीजमेंट आया था, यानी कि जो 2014 में एडवर्टीजमेंट आया था इसी में दोस्तों लिखा हुआ है कि आपका कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को मेंस में पास किया जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको नीचे स्क्रॉल करके जाएं तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है इसको। दोस्तों मैं डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 13,120 वैकेंसी था, इसका दोस्तों 5 गुना बात करें तो 65,500 कुछ वैकेंसीज आती है, यानी दोस्तों 65,000 लोगों को मेंस में पास किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, निश्चिंत रहें आप, जल्द ही आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा और दोस्तों आप मेंस का तैयारी जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका अगस्त यानी कि जून में रिजल्ट आने के बाद दोस्तों तुरंत 1 महीना बाद यानी कि अगस्त या सितंबर में आपका मेंस का डेट आ जाएगा और मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल सरकारी अलर्ट पे ऐसे ही दोस्तों बिहार से रिलेटेड अपडेट के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए बिहार से जुड़ी पल पल की खबरें जाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक।